नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। आज आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर 15 दिसंबर से शुरू होने वाली बदलाव यात्रा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि किस तरीके से रूपरेखा रहेगी। आइए बात करते हैं राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी से, उनसे जानते हैं कि किस तरीके का बदलाव है जो आम आदमी पार्टी चाहती है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, कल से जो बदलाव यात्रा शुरू होने वाली है, क्या बदलाव चाहती है आम आदमी पार्टी? एक हरियाणा के लाल ने, एक मौका अरविंद केजरीवाल ने, इस स्लोगन के साथ हरियाणा के अंदर अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छी डिस्पेंसरी, बिना खर्ची पर्ची के रोजगार, महिला का सम्मान, किसान का सम्मान, जवान का सम्मान, हर वर्ग को एक बेहतरीन मौका मिले। सरकारी कर्मचारियों को ठेका पर्दा खत्म करके परमानेंट नौकरी मिले। जो दिल्ली और पंजाब के अंदर हमने बेहतरीन काम किए, उन सब कामों को लेके हम जनता के बीच के अंदर जाएंगे और हरियाणा की बदहाली को मिटाने के लिए हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को लेके आने की अपील करेंगे। सर, अगर बात करें, पहले कांग्रेस ने यात्रा की, फिर अगर हम बात करें लाला ने यात्रा की, वो सफल नहीं रही ज्यादा, तो अब जो है आपको क्या उम्मीदें हैं कि ये यात्रा, क्या जो इसका मकसद है आम जन तक पहुंचना, क्या वो हो पाएगा? 100% होगा। आपके सामने ये कल से शुरुआत है, कल चार जगह से शुरुआत होगी, चार अलग अलग जिलों से। मैं फरीदाबाद से शुरुआत करूंगा, आपके गुड़गामा के अंदर भी यात्रा पहुंचेगी, आप खुद देखेंगे। तो अगर हम संगठन की बात करें, मजबूती कितनी आ रही है संगठन में कि अभी विधानसभा और अगर हम बात करें लोकसभा के लिए तैयारी है पूरी? एक पार्टी के अगर 1.5 लाख पदाधिकारी बन जाए तो आप संगठन के मजबूत का हिसाब लगा सकते हैं। हर गांव के अंदर हमारा संगठन है, हर शहर में हमारा संगठन है। और अगर हम बात करें, कल जो हादसा हुआ है संसद में, अगर बात करें, क्या लगता है कि ये भी राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है या लोगों को गुमराह करने का, या कोई बड़ी सोच से उनको हटाने का प्रयास है? ये दुर्भाग्यपूर्ण है जो भी है, सिक्योरिटी लैप्स इसके अंदर रही है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद के द्वारा पास देने से पहले भी देख लेना चाहिए था कि किस नीयत के साथ लोग जा रहे हैं। उन युवकों का संसद की लोकसभा के हॉल के अंदर कूदना, फिर वहां पे कलर गैस छोड़ना, बहुत ही दुखदायी विषय है। क्या कहेंगे कि अगर बात हम करें कि यही अगर किसी और पार्टी का व्यक्ति होता है या सांसद होते हैं तो उनके ऊपर तो शायद कार्रवाई बहुत तुरंत प्रभाव से की जाती, यहाँ पर कार्रवाई भी थोड़ा डिले चल रही है, पर जिस व्यक्ति के घर में सेक्टर 7 एक्सटेंशन में वो लोग रुके हुए थे, उनको जो है हिरासत में ले लिया गया है, क्या कहेंगे कि यहाँ पर भी अपने ही दाव पेच खेले जा रहे भाजपा द्वारा? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी गहन जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उसको कड़े से कड़ी सजा दी जाए। और अगर आप बदलाव यात्रा की बात करें, ये कब तक चलेगी और क्या इसकी रूपरेखा रहेगी? 15 तारीख से लेकर 24 तारीख तक चलेगी और लाखों लोग इस यात्रा के अंदर भाग लेंगे जगह जगह पे, और हरियाणा के अंदर एक बदलाव का माहौल इस यात्रा से पैदा होगा। आपकी तैयारी विधानसभा के लिए है या लोकसभा की, अगर हम बात करें, ये बदलाव यात्रा किस ओर जा रही है? 90 के 90 विधानसभा और 10 के 10 लोकसभा, पूरी तैयारी। आइए बात करते हैं सारिका वर्मा जी से और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि जो बदलाव यात्रा है, क्या लगता है कितना बदलाव लेकर आएगी गुरुग्राम में और पूरे भारतवर्ष में, क्या कहेंगे सारिका जी? देखिए, आज हमने बदलाव यात्रा का ऐलान कर दिया है, 15 तारीख से शुरू हो रही है। चारों तरफ से हरियाणा में हमारे लीडर्स जाएंगे। सुशील गुप्ता जी जो हरियाणा के प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी के, वो फरीदाबाद से शुरू करेंगे। ये यात्रा नू से होते हुए सोना में आएगी 18 को, 19 को बादशाहपुर में और 20 को गुड़गांव में। हम सभी, आपको पता है, एक साल से हम संगठन बना रहे थे, अब संगठन हमारा हर वार्ड लेवल तक, हर सेक्टर में बन गया है। अब हम लोगों के बीच में ये मैसेज लेके जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इकलौता विकल्प है जो बदलाव लाना चाहती है और काम करना चाहती है। बाकी पार्टियाँ जो हैं वो सिर्फ जुमले दे के, भाषण दे के भाग जाती हैं, उसके बाद वो फॉलो थ्रू नहीं करती है। आम आदमी पार्टी शिक्षा में, स्वास्थ्य में क्रांति ला चुकी है, बिजली और पानी पे पूरे दिल्ली और पंजाब में इतना ज्यादा काम हुआ है, लाखों घरों में जीरो बिल आ रहे हैं। ये बदलाव हरियाणा के हर इंसान को मिलना चाहिए। ये सुविधाएं हमारे हरियाणा में क्यों नहीं मिल रही हैं? अगर अच्छी शिक्षा दिल्ली में मिल सकती है तो गुड़गांव में क्यों नहीं? अगर अच्छी स्वास्थ्य दिल्ली में मिल सकता है तो गुड़गांव में क्यों नहीं? अगर अच्छे मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली और पंजाब में हो सकते हैं तो गुड़गांव और हरियाणा में क्यों नहीं? ये मैसेज हम पहुंचा रहे हैं बदलाव यात्रा के जरिए, और उम्मीद कर रहे हैं कि लोगों को समझ आ जाएगा कि इकलौती पार्टी है जो काम करना चाहती है, और एक मौका केजरीवाल को जरूर देंगे। यात्रा का ही क्यों सोचा गया, अगर बात करें, पहले कांग्रेस ने यात्रा का सोचा, फिर उसके बाद अगर हम बात करें चौटाला का भी, और अब अगर बात करें आम आदमी पार्टी भी इसी ओर रुख कर रही है,
क्या जनता के बीच में जाना चूक है जो सभी एक ही रास्ता अपना रहे हैं? हम लोग एक्चुअली पिछले 6 महीने से, आपने देखा होगा, पहले हमने बिजली आंदोलन किया था, उसके बाद परिवार जोड़ अभियान किया, उसके बाद सम्मान समारोह जो चल रहा है, तो लगातार हम जनता के बीच में जा रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं, लोगों के पास 1-to-1 कनेक्ट कर रहे हैं। पर मास मीडिया को जो इन्वॉल्व करना चाहते हैं वो यात्रा के जरिए होगा, जो मैसेजिंग है जो शहर में जाएगी कि हाँ यहाँ पे इतने हर असेंबली में हम लोग घूम के जाएंगे, तो मैसेज जरूर जाएगा कि हाँ आम आदमी पार्टी अब जमीन पे दिखने लगी है और लोगों को बदलाव दिखेगा। आइए बात करते हैं आम आदमी पार्टी से लोकसभा अध्यक्ष मुकेश डागर जी से, उनसे जानते हैं कि आज जो बदलाव की आंधी के लिए एक यात्रा चलाने का यहाँ पर सोचा गया है और कल से जो चालू हो रही है उसके बारे में उनका क्या कहना है। क्या कहेंगे डागर साहब, क्या बदलाव लेकर आएगी आम आदमी पार्टी और क्या लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे इस यात्रा को? देखो, हरियाणा बदलना चाहता है इसलिए आम आदमी पार्टी बदलाव यात्रा लेके आ रही है और बदलाव ये होगा यहाँ शिक्षा में, बिजली में, पानी में और भ्रष्टाचार में। नए नए रोजगार सृजन होंगे और जो ये जो पलायन रोजगारों का हरियाणा सरकार में हो रहा है इसको रोका जाएगा। आम आदमी पार्टी आएगी तो हर आदमी की उम्मीद और आम तरीके से करेगी और आम आदमी पार्टी हमेशा से ये सोचती आई है कि आम आदमी पार्टी आगे बढ़े और उन व्यक्तियों का विकास हो जो लाइन में सबसे पीछे रह जाते हैं, तो इसलिए आम आदमी पार्टी उनको आगे लाना चाहती है। क्या रूपरेखा रहेगी, किस तरीके से जो है शुरुआत होगी और कब तक चलेगी ये यात्रा? आम आदमी पार्टी में हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे, बड़े साउंड सिस्टम के साथ, काफ़ी सारी हमारी जो आम आदमी पार्टी की जो प्रिंटेड गाड़ी है वो साथ चलेंगी, वर्करों की गाड़ी साथ चलेंगी और ऐसे 100-200 साथी ऐसे परमानेंट हैं जो उस गाड़ियों के साथ ही हमारे जो यहाँ हमारा नेतृत्व करेंगे जो लीडर, उनके साथ हमेशा वो 10 दिन उनके साथ रहेंगे और काफ़ी बड़ा काफिला होगा और उनका जो ठहराव होगा वो गांव में होगा और गांव में शाम के समय में रागनी और भजन के माध्यम से लोगों को संपर्क करने की भी कोशिश करेगी और जगह जगह शहर में भव्य स्वागत होंगे। ये तो आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार आम आदमी पार्टी भी अपने आप को स्थापित कर पाती है या फिर ये सिर्फ एक यात्रा मात्र ही रह जाती है।